दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के सभी फैंस के चेहरे पर शायद बहुत दिनों बाद छोटी सी मुस्कान आ गई होगी, क्योंकि खबर ही ऐसी है। दोस्तों, बीते दिन सोशल मीडिया पर एक चीज लगातार वायरल रही, सभी ने इसे जोरों शोरों से शेयर किया, क्योंकि बात भी तो शेयर करने वाली थी। दोस्तों, खबर ये थी कि सीबीआई ऑफिसर नूपुर प्रसाद ने रेहा चक्रवर्ती के चांटे उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने उन्हें थप्पड़ मारा। इसका कारण ये बताया गया वायरल खबर में कि श्रेया चक्रवर्ती जो थी वो अपने आप को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझ रही थी सीबीआई इंक्वायरी के दौरान, और अपने एटीट्यूड के कारण उन्हें थप्पड़ खाने पड़े। दोस्तों, बता दूं कि इसमें खबर में सामने आया नूपुर प्रसाद नाम की सीबीआई ऑफिसर का चेहरा, जहां पर उनकी तस्वीर के साथ रेहा चक्रवर्ती की तस्वीर हमें देखने को मिली, जिस पर साफ साफ लिखा गया है कि सीबीआई इंक्वायरी के दौरान जब रेहा चक्रवर्ती बड़े ही एटीट्यूड के साथ सीबीआई को जवाब देना चालू किया और वहीं पे उनके सवालों के सटीक जवाब नहीं दिए, ऐसे में नूपुर प्रसाद नाम की सीबीआई ऑफिसर ने उनको थप्पड़ मारा। और दोस्तों, ये खबर जैसे ही हम सभी के सामने आई, शायद सुशांत सिंह राजपूत का कोई भी फैन ऐसा नहीं होगा जिसके चेहरे पर स्माइल ना आई हो, क्योंकि दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि रेहा चक्रवर्ती जो है उन्होंने अगर कुछ भी गलत किया है तो उन्हें उनकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। खैर दोस्तों, बता दूं कि इस बात को लेकर अब काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी है कि वाकई में सीबीआई इंक्वायरी के कुछ ही सेशंस के बाद क्या इतना बड़ा कदम सीबीआई उठाएगी, क्या रेहा चक्रवर्ती को वाकई में कोई थप्पड़ पड़ा है। तो दोस्तों, बता दूं कि ऑफिशियली तौर पर जब इसकी जांच की गई कि वाकई में रेहा चक्रवर्ती पर कोई हाथ उठाया गया है या फिर नहीं, तो ऐसे में दोस्तों खबरें तो कुछ ऐसी आ रही है कि सिर्फ एक वायरल खबर की गई थी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फैन के द्वारा ही मनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ही एक बात आप सभी को भी पता होगी कि सीबीआई की इंक्वायरी के दौरान सीबीआई को पूरी तरीके से छूट होती है कि वे किसी के ऊपर भी अपना जोर आजमाइश कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों सीबीआई के पास इतनी पावर होती है कि पूरे देश में कहीं पर भी जाकर अपना काम को अंजाम दे सकती है, यहां तक कि विदेश में जाकर भी सीबीआई के ऑपरेशंस कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और वहीं पे हायर कोर्ट के अलावा ऐसा एक भी शख्स नहीं होता है जो कि सीबीआई के काम में दखल अंदाजी कर सके, भले ही वह दोस्तों कोई भी पुलिस ऑफिसर क्यों ना हो, कोई भी कमिश्नर, कोई भी नेता क्यों ना हो। दोस्तों, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और वहीं पे हायर कोर्ट जो होती है वह सीबीआई से सवाल कर सकती है और उनसे बातचीत कर सकती है। अगर और कोई सीबीआई के रास्ते में आता है तो उन्हें भी चांटे खाने ही पड़ जाते हैं। दोस्तों, आप बताइए कि आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कि वाकई में रेहा चक्रवर्ती को चांटे पड़ने चाहिए थे और क्या पड़े हैं, आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन जैसा शेयर कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।